तो भाई हाजिर हूँ आपके लिए लेकर आर्केड मोड की और भी बहुत सारी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स। गाइस ये आर्केड मोड का हमारा चौथा वीडियो है और टिप्स और ट्रिक्स का तीसरा, और इसीलिए मैंने बाकी सारे वीडियोस भी टॉप राइट कॉर्नर पर आई टूल में डाल दिए हैं। आप में से किसी ने नहीं देखे हैं तो आपके लिए ढूंढने में आसानी होगी। तो भाई देर किस बात की है, फटाक से शुरू करते हैं। हेलो गेमर्स, क्या हाल है, कैसे हो आप? आई होप सब मजे में हो। तो भाई आप में से बहुत सारे गेमर्स ने मुझे इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर, कमेंट्स में, ईमेल पर ये बताया कि हमारे चैनल पर दिखाई गई ट्रिक्स को काफी सारे गेमर्स ने यूज किया और हमें कोई क्रेडिट नहीं दिया। तो गाइस मैं आपको ये बता दूं कि आप, मैं और वो, हम सब गेमर्स ही तो हैं। हम सब एक ही गेमिंग कम्युनिटी का हिस्सा है। और भाई मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी के लिए भी हेट स्प्रेड नहीं करनी है, आप सबके वीडियोस एंजॉय करो क्योंकि ये सिर्फ एक गेम है और इससे अब आपको डबल एंटरटेनमेंट मिलेगा भाई। तो गाइस ये जो आज की पहली ट्रिक है ये ड्रोन्स के बारे में है। आप ये तो जानते ही हो कि आप ड्रोन से प्लेयर्स को हवा में उड़ा सकते हो, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ड्रोन से गाड़ी उड़ाकर देखी जाए। तो भाई मैंने एक ड्रोन से तो बहुत देर ट्राई किया लेकिन ये डासिया हवा में उड़ने का नाम ही ले रही थी। एक ड्रोन से ये डासिया थोड़ी सी तो हवा में उठी लेकिन पूरी ऊपर नहीं गई। तो फिर मैंने एक के बजाय दो ड्रोन से ट्राई किया। मैंने अपने टीममेट से कहा कि वो भी अपना ड्रोन इस डासिया के अंदर घुसा दे ताकि हम दोनों एक साथ ट्राई कर पाएं। तो गाइस ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जिसकी मदद से आप दो ड्रोन्स को यूज करते हुए एक डासिया को या फिर किसी भी और गाड़ी को हवा में उड़ा सकते हो। और गाइस इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात तो ये है कि अगर आप अपने टीममेट्स को इस गाड़ी के अंदर बैठा दोगे और फिर ड्रोन्स की मदद से इस गाड़ी को ऊपर उड़ाओगे तो आपके टीममेट्स को लेकर गाड़ी हवा में उड़ जाएगी। सो इस ट्रिक को आप आर्कटिक मोड में तब यूज कर सकते हो गाइस जब आपको किसी ऐसी रूफटॉप पर चढ़ना हो जहां ऊपर चढ़ने का कोई और तरीका ना हो। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ को ये वाली ट्रिक ऑलरेडी पता हो, पर ये जो दूसरी ट्रिक अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस, आई एम श्योर ये तो आप में से किसी को भी नहीं पता होगी। और ये सेकंड ट्रिक वर्क करती है गाइस विकेंडी मैप की गुफा में। आप ये तो जानते ही हो गाइस कि इस गुफा के अंदर हम पैदल नहीं जा सकते। अगर हमें इस गुफा के अंदर घुसना है तो कोई ना कोई गाड़ी या फिर कोई भी बाइक हमें जरूर लेकर आनी पड़ती है। और ठीक इसीलिए मैंने सबसे पहले ट्राई किया कि क्या मैं स्केटबोर्ड को यूज करते हुए इस गुफा के अंदर जा सकता हूँ, लेकिन स्केटबोर्ड से तो बात नहीं बनी। तो क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? चलो भाई ड्रोन से ट्राई करके देखते हैं। तो भाई कोल्ड वेदर शुरू होने से पहले अगर आप इस गुफा के आसपास हो और आप इसके अंदर घुसकर आग जलाना चाहते हो पर आपके पास कोई व्हीकल ना हो, तो गाइस सबसे कमाल की बात यह है कि ये पत्थर अब आप ड्रोन से भी तोड़ सकते हो। भाई ये तो आप जानते ही हो कि आप जहां भी आग जलाते हो वो मैप पर दिख जाती है, और अगर आप अपने स्क्वाड में अकेले बचे हो तो आग जलाना आपके लिए सबसे रिस्की है। तो ऐसी सिचुएशन में ये गुफा एक अच्छा स्पॉट बन सकता है गाइस शेल्टर लेने के लिए। और भाई चाहे आप अकेले ना भी हो, आपका पूरा स्क्वाड हो आपके साथ, तो भी आप इस गुफा के अंदर घुसकर अपना ड्रोन बाहर ही छोड़ सकते हो गाइस। आप अपने स्क्वाड के साथ अपने ड्रोन को अंदर से ही कंट्रोल करना। ड्रोन दरवाजों पर रहेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा जैसे ही कोई स्क्वाड अंदर आएगा। और इतना ही नहीं गाइस, अगर आप अपने ड्रोन से दूर हो और उसे स्टैंडबाय मोड पर छोड़ देते हो तो आपको सिर्फ अपना मैप ओपन करना है और आपको दिख जाएगा कि आपका ड्रोन कहाँ है। भाई अब जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये कुछ स्केटबोर्डिंग की ट्रिक्स हैं और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स हैं। आप ये तो जानते ही हो कि जैसे ही हम स्केटबोर्डिंग करते हुए जंप का बटन प्रेस करते हैं हमारा कैरेक्टर एक बहुत ही फाड़ू एनिमेशन शो करता है जिसमें वो पूरा 360 फ्लिप मार जाता है। लेकिन गाइस आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये एक ऐसा अकेला स्टंट नहीं है जो आपका कैरेक्टर कर सकता है। तो अब मैं आपको वन बाय वन ये बताने वाला हूँ कि आप इस कैरेक्टर से कितने स्टंट्स कर सकते हो और कैसे। तो देखो भाई सबसे पहला और सबसे सिंपल स्टंट तो ये है कि आप स्केटबोर्डिंग करते हुए जा रहे हो और आपको सिर्फ जंप का बटन प्रेस करना है और आपका कैरेक्टर एक छोटी सी जंप करेगा। और दूसरा एनिमेशन जिसके लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा स्पीड चाहिए होती है, इसमें अगर आप दो बार जंप का बटन प्रेस करते हो तो आपका कैरेक्टर एक 360 फ्लिप मारता है। अब ये जो तीसरा एनिमेशन है इसके अंदर आपको जंप और राइट एरो दोनों को एक साथ प्रेस करना है और आपका कैरेक्टर एक बहुत ही धांसू क्लॉकवाइज 360 डिग्री फ्लिप करेगा। लेकिन इसके लिए भी आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए गाइज। अगर आपकी स्केटबोर्डिंग करते हुए स्पीड स्लो है तो ये एनिमेशन वर्क नहीं करेगा। अब भाई ये जो चौथा एनिमेशन है इसके लिए आपको लेफ्ट साइड एरो और जंप का बटन एक साथ प्रेस करने हैं, और जैसे ही स्केटबोर्डिंग करते हुए आप इन दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस करोगे तो आपका कैरेक्टर एक एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड 360 डिग्री फ्लिप मारेगा। और गाइस स्केटबोर्डिंग करते हुए ये एक छोटी सी टिप है, अपने कैरेक्टर की स्केटबोर्डिंग में स्पीड बूस्ट करने के लिए आपको बार बार लेफ्ट और राइट एरोज को प्रेस करते रहना है।
वैसे ये लास्ट वाला तो पता होगा आपको। अगर स्केटबोर्डिंग के स्पीड बूस्ट के बारे में आपको पहले ही पता था तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस ये जो आर्कटिक मोड का नेक्स्ट अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी ड्रोन्स के बारे में है। ये ड्रोन्स किसी एनिमी को दूर से स्पॉट करने के तो काम में आते ही हैं। आप इन ड्रोन से किसी एनिमी को नॉक भी कर सकते हो गाइस। चाहे कोई एनिमी आपके ड्रोन पर फायर करे या फिर आपके ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाए, दोनों ही कंडीशन में ये ड्रोन्स ब्लास्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई एनिमी आपके ड्रोन पर फायर कर रहा हो तो आप अपना ड्रोन बिल्कुल उसके पास ले जाओ। अगर किसी एनिमी की हेल्थ फुल ना हो, 50% से कम हो, तो आपका ड्रोन ब्लास्ट होते ही वो एनिमी नॉक हो जाएगा। ये ड्रोन्स क्लोज रेंज में अच्छा खासा डैमेज देते हैं गाइस। वैसे और भी कुछ हिडन फंक्शंस हैं आर्कटिक मोड में आए इस नए फीचर ड्रोन में। पबजी मोबाइल ने अपने इस नए फीचर ड्रोन को रियलिस्टिक दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी ऐड किए हैं इसमें, जैसे कि इन ड्रोन्स की मैक्सिमम स्पीड 50 किलोमीटर पर आर के आसपास है। मैक्सिमम हाइट आप जहां तक इन्हें लेकर जा सकते हो 50 से 55 मीटर के आसपास है। इनका मैक्सिमम डिस्टेंस 350 से 355 मीटर है और इन ड्रोन्स को आप पानी के अंदर नहीं ले जा सकते। पबजी मोबाइल ने इन ड्रोन्स के अंदर एक FPV मोड भी दिया है जिसमें स्विच करते ही आप इन्हें 3x तक जूम कर सकते हो। लेकिन इन ड्रोन्स के बारे में ऐसी भी कुछ बातें हैं जिनका रियलिस्टिक होने से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। गाइस आप एक ड्रोन से दो ड्रोन भी बना सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। तो भाई अगर कोई प्लेयर आपको ड्रोन फ्लाइंग मोड में मिले, ड्रोन उड़ाता हुआ मिले, तो आपको बस उस प्लेयर को फिनिश कर देना है। और गाइस जहां भी उस प्लेयर का ड्रोन होगा वहीं स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा। मैंने जैसे ही अपने इस टीममेट को मॉली फेंक कर फिनिश किया गाइस, इसका ड्रोन तो हवा में था पर मुझे इसके बैग में एक और ड्रोन मिल गया। अब ये एक से दो ड्रोन कैसे हुए मुझे इसका लॉजिक समझ नहीं आया। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कोई ग्लिच है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी गाइस। ये एक से दो ड्रोन बनाने वाला फीचर तो खुद पबजी मोबाइल ने ही ऐड किया है इस मोड में। सो गाइस अगर आप आर्कटिक मोड के किसी ऐसे फीचर के बारे में जानते हो जिसके बारे में मैंने आर्कटिक मोड की सीरीज की इन सारी वीडियोस में नहीं बताया, तो भाई मुझे उस फीचर के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, नया वीडियो नई खबर। गुड बाय गेमर्स। I'm so happy.